गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, तो इसमें हम लोग दो थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ओके, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। कॉची थ्योरम क्या होता है? लेट एफएक्स बी ए फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन विच इज एनालिटिकल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कर्व सी। ठीक है, एफजेड कोई फंक्शन है, वो एनालिटिक है। किसमें एनालिटिक है? यदि ये मेरा जो क्लोज्ड कर्व सी दिया हुआ है, यदि उसके अंदर, जैसे कि मान लीजिए क्लोज्ड कर्व सी जो है एक मेरा इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, तो यदि ये जो मेरा फंक्शन है, यदि ये एनालिटिक होगा ये सरफेस के अंदर और या फिर इस सरफेस के पॉइंट में भी होगा, आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, यदि इस पे भी होगा तो एनालिटिक है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा एफजेड डीजेड जीरो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये जो है यही थ्योरम है, बस इसमें ये बताया गया कि यदि जो मेरा एफजेड फंक्शन है वो अपने क्लोज कर्व सी इंटरवल में एनालिटिक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट जेड नॉट है, यही मान लीजिए कोई क्लोज कर्व सी है। ठीक है, और यहां पे एक अंदर में एक पॉइंट है मेरा जेड नॉट। इस जेड नॉट पॉइंट पे क्या हुआ, ये जो मेरा एफजेड फंक्शन है या फिर इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो मेरा डिफाइन नहीं है। नहीं यदि डिफाइन है तो उसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वो हम लोग कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड। ठीक है, यहाँ पे इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझते हैं, यदि हमको इंटीग्रेशन करना है इसका एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो फंक्शन अंदर वाला है ये जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है, जब भी ऐसा रहेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, मतलब कि जो ऊपर वाला एफ जेड रहेगा। ठीक है, एफ जेड, और यदि ये जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है तो हम लोग को क्या करना है, 2 पाई आई जो यहां लिखा हुआ ये लिखना है इंटू एफ ऑफ जो यहाँ पे जेड है उसके जगह जेड नॉट पुट कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप एफ जेड डिजेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का पावर एन। ठीक है, ये भी जो फंक्शन है वो जेड नॉट पर डिफरेंशिएबल एनालिटिक नहीं है। यदि एनालिटिक नहीं है तो क्या होगा, इसके पहले वाले में क्या था, इसका पावर होल का पावर 1 था। ठीक है, जब एन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेम 2 पाई आई इंटू, अब जो ऊपर में एफ जेड जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, यदि पावर एन है तो एक कम। ठीक है, एफ टू द पावर एन माइनस वन और जेड की जगह जेड नॉट डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल देखता हूं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट, जहां क्लोज कर्व सी दिया हुआ है वो है मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 क्या है? ठीक है, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 है, हम जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और जब का जेड का मोड लेना है तो क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0.0 है और रेडियस 2 है। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय जेड माइनस 3। अब ये जो फंक्शन है मेरा, इफ जेड इज इक्वल टू 3 तो ये फंक्शन मेरा अंदर वाला डिफाइन नहीं है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर में डी जेड इंटू यहाँ पे एफ जेड मेरा फंक्शन था जहां पे कुछ भी नहीं है वो 1 है तो जेड माइनस 3। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है मेरा 3, ये सर्कल के अंदर मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये प्लस 2 और इधर माइनस 2, जो ये 3 होगा वो और ये कर्व के बाहर है। ठीक है, तो यदि इस कर्व के बाहर है तो इस कर्व के अंदर जितना भी पॉइंट्स है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक होगा तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एफ जेड डी जेड जब एनालिटिक है एफ जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, तो यहाँ पे सिंपल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं आई इज इक्वल टू डी जेड बाय जेड माइनस 3, सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे जो सी कर्व है वो चेंज है, क्या है, सेम मोड जेड इज इक्वल टू 3 बाय 2 है, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा ये भी जिस तरह प्रीवियस में किया था, और इसका रेडियस जो होगा वो कितना होगा 1.5 है ना। रेडियस क्या होगा,
1.5 है, तो इसमें भी ये पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू जो 3 होगा वो भी इसके रेंज के बाहर ही होगा। यदि ये भी इसके रेंज के बाहर है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा जीरो। नाउ द थर्ड एग्जांपल, इसमें i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड बाय जेड माइनस पाई बाई 6 का होल क्यूब dz। ये भी पता चल रहा है कि z इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे क्या होगा, ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। पाई बाई 6 मतलब क्या होगा, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो पाई बाई 6 होगा पाई डिवाइडेड बाय 6 मतलब 0.52, ठीक है 0.52। ये यहाँ पर जो कर्व दिया हुआ मोड z इज इक्वल टू 1, मतलब ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 होगा 1 से माइनस 1, तो 0.52 जो होगा इसके अंदर होगा, कहीं पे भी हो अंदर में हो, मतलब ये फंक्शन मेरा पाई बाई 6 पे एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, जस्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लेते हैं, प्रीवियस जब एनालिटिक नहीं था तो क्या होता था 2πi into f of z, और जब पावर n रहता था तो क्या होता था 2πi into f to the power n minus 1 z not by n minus 1 factorial। उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πi into f, यहाँ क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2πi 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा इंटू, अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर जेड को 2 टाइम्स, ठीक है तो पहला बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 साइन जेड इंटू कोस जेड, ठीक है अब ये 2 कट गया तो यहाँ बचा पाई इंटू आई। अब डिफ्रेंशिएट करना है, इसका फॉर्मूला था साइन 2z, ठीक है और जब इसको फिर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा 2πi साइन जेड का कोस 2z इंटू 2, ठीक है इंटू 2, तो इसका हो जाएगा 4πi इंटू, अब जेड की जगह क्या पुट करना है हमको पाई बाय 6, तो कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6 तो हो जाएगा 4πi इंटू 2 कटा पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है सॉरी यहाँ पे पाई आई है तो यहाँ पर भी पाई आई ही होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 2πi हो जाएगा, 2πi इंटू कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा पाई इंटू आई। ओके इसी तरह जितना भी क्वेश्चंस रहेगा हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।